दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश किया, जिसको देशभक्ति बजट का नाम दिया गया। बजट में योग से लेकर आर्मी स्कूल, महिला मोहल्ला क्लिनिक तक खोलने का जिक्र किया गया है। केजरीवाल सरकार के देशभक्ति बजट पर विपक्ष का कहना है कि बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। किसी को क्या पता था कि कभी विश्व में ऐसी महामारी आएगी कि जिंदगी ठहर सी जाएगी। वैसे सरकार हमेशा से आगे की योजनाओं को लेकर अपना बजट पेश करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि भविष्य में जो सरकार आए वो पिछले सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाए। केजरीवाल सरकार ने 9 मार्च 2021 को सदन में जो बजट पेश किया वो 2047 को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, यानी कि लगभग 25 साल आगे का बजट। राजनीति में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, जो विपक्ष निकाल भी रहा है। दिल्ली जो है दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी घोषित कर दी गई है, और हिंदुस्तान में आज दिल्ली जो है सबसे ज्यादा तीसरे नंबर की प्रदूषित सिटी कही है या देश की राजधानी कही है, और ये हालत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बना दी है। हम ये कह रहे हैं शिक्षा के मामले में बड़ी तरक्की हो रही है। अरे आप बताओ तो सही भाई कि आज स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है। दिल्ली सरकार ने 2021 के बजट को देशभक्ति बजट बताया। देशभक्ति की भावना लोगों में जगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए अलग से बजट रखा है। लोगों को फिट रखने के लिए अब दिल्ली सरकार योगा जैसे कार्यक्रमों पर भी खर्च करेगी। इस पर विपक्ष का कहना है कि ये सब तो केंद्र सरकार पहले से ही कर रही है, अब केजरीवाल सरकार उसे अपना नाम देने में लगी हुई है। केजरीवाल सरकार के दूरगामी बजट पर विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल सरकार अपने बजट में पहले की तरह सिर्फ लुभावने वादे ही करते नजर आए। पिछले 6 सालों में दिल्ली में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, बल्कि इन 6 सालों में दिल्ली बेहाल हो गई है। हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है, शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जो कुछ कमिटमेंट्स ये पिछले 6 सालों से करते आ रहे थे, चाहे दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देने की बात हो, चाहे स्वीट डिफेंट प्लांट बनाने की बात हो, या मैली यमुना की सफाई करने की बात हो, किसी एक उदाहरण ये दे दिल्ली के लोगों को कि हमें हमने ये घोषणा की थी हमें ये कामयाबी मिली है। केजरीवाल सरकार के दूरगामी बजट से दिल्ली वालों को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल केजरीवाल सरकार योग और देशभक्ति के पाठ के सहारे जनता को अपनी भक्ति में कितना लीन कर पाएगी, ये तो अगले साल होने वाले MCD चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।